जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया विन कर रहे होंगे। एंड गाइस, आज किस नए वीडियोस में हम बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जेंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फंटेसी टीम प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि टाटा आईपीएल के ये 72 मैच होने वाला है, यानी कि प्ले ऑफ का दूसरा मैच होने वाला है। एंड यहाँ पे अपनी ग्रांड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड टीम इस मैच में कैसे बनाएंगे, तो सारा कुछ हम बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। एंड जो हमारी टीम होगी सबसे अच्छा विन करने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पे ये मैच आज के ही डेट में 7:30 बजे स्टार्ट होगा और स्टेडियम ईडन गार्डन, जो कि कल यानी कि रिसेंटली मैच हुआ था, ठीक है, गुजरात और राजस्थान का, किस प्रकार से वहाँ पे स्कोर हुआ, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था फिलहाल फास्टर और स्पिनर के लिए, तो उसी प्रकार से उनको ही हेल्प मिली। बाकी आपने देखा किस प्रकार से मैच हुआ, बैट्समैन के लिए कहा था हेल्प हो गई और फिलहाल चेसिंग 60% चांसेस हैं विन करने के मैच को, तो फिलहाल वही हुआ, ठीक है। तो ईडन गार्डन में ये मैच होने वाला है फिर से, और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर देखते हैं फिलहाल लखनऊ और बेंगलोर का परफॉर्म किस प्रकार से एक दूसरे से वो जानते हैं। मौसम तो यार बढ़िया रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, अगर फिर भी थोड़ा टाइम होते जैसे कि 6:30 बजे अगर बारिश होती है तो फिलहाल आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, यानी कि बॉलर्स को फिर हेल्प मिल जाएगी, बैट्समैन को बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप मैनेज कर लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम पर अपडेट रहता ही हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, अभी तो फिलहाल सही है। एंड उसके बाद पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट वही होगी भाई, स्पिनर और फास्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, और बैटिंग थोड़ा बढ़िया रहेगी, ठीक है, बैटिंग मतलब बढ़िया रहेगी, स्टेडियम छोटा है, और स्कोर जो कि यहाँ पे फिलहाल बता दूँ 180 हाई स्कोरिंग हो सकता है, 180 170 ये हो सकता है, ठीक है, 170 भी हो सकता है, 180 हो सकता है, 170 मुझे लग रहा है आज डाउन ही रन बनेगा अगर यहाँ पे जो बैट्समैन है ओपन होंगे वो उस अगर अच्छे चलते हैं, जैसे कल के मैच में बताया फर्स्ट इनिंग बैट्समैन जो कर रहेंगे वहाँ पे दो में से एक तो जरूर जाएगा, देखा आपने जायसवाल, ठीक है, गया, तो उस हिसाब से फिलहाल आज के ही मैच में यही होने वाला, जो कि आप खुद नोटिस कर लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, ऐसी टीमों के बारे में जो बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है, यहाँ पे आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से चैनल मिल जाएगा। और जो फिलहाल कल की टीम थी इस प्रकार से भाई टीम थी हमारी हेड टू हेड की टीम मैंने शेयर करी थी, तो आप देख सकते हैं कि मतलब विन तो हो गया था, और आपने देखा कल बड़े बैट्स जो बॉलर्स थे बड़े बड़े उनका भी कुछ बढ़िया हो नहीं पाया, ठीक है। तो आज के इस मैच में बता दूं कि क्रेडिट का बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है, ठीक है, मतलब आप चाह करके भी टीम अच्छी नहीं बना पाएंगे, ये मैं आपको खुद दिखाऊंगा। बाकी अगर क्रेडिट का कोई मसला होता है तो आप यहाँ पे रियल इवेंट पे खेल सकते हैं, ठीक है, जो कि टेलीग्राम ज्वाइन करते टाइम आपको यहाँ पे फिलहाल लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लो क्रेडिट मिलेगा चाहे जैसी टीम बनाए, आप यहाँ पे 20 रुपये की ग्रांड लीग टीम बना सकते हैं, 3 रुपये की बना सकते हैं, 1 रुपये की बना सकते हैं, 1 रुपये की टीम में आप लाखों विन कर सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट का कोई मसला नहीं होगा। और कल फर्गूसन के ऊपर मेरा पूरा मन था भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का, बट यहाँ पे देख सकते हैं मतलब प्लेइंग में शामिल नहीं हुआ। चलिए कोई ना, हम बात करते हैं वीडियोज़ की। तो गाइस, यहाँ पे जो फिलहाल आरसीबी और लखनऊ के बीच में जो मैच हुआ था रिसेंटली, यानी कि प्रीवियस कह लीजिए आप, उस हिसाब से देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने रन मारे थे। आरसीबी ने पहले बैटिंग करी थी 181 6 विकेट के नुकसान पे, बढ़िया मैच जो कि हुआ था डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट अकेडमी में, और अब ये वाला मैच हो रहा है ईडन गार्डन्स में, तो बहुत बड़ा डिफरेंट दिखेगा, बट वर्सेस में अगर देखते हैं बॉलर्स और बैट्समैन को तो किस प्रकार से परफॉर्म होता है। आरसीबी ने 181 6 विकेट के नुकसान में लखनऊ सुपर जेंट 163 पे ही ऑल आउट, मतलब ओवर खत्म हो गए थे, 20 ओवर हो गए थे, या समझ लीजिए कि ऑल आउट ही थी, 8 विकेट हो गई थी, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं बॉलर्स किस प्रकार से हम गिनती में ले सकते हैं, ठीक है। एंड लखनऊ सुपर जेंट्स की अगर हम प्लेइंग के बारे में बात करें, पॉसिबल प्लेइंग या तो फिलहाल परफॉर्म के बारे में किस प्रकार से बेंगलोर के खिलाफ परफॉर्म है या बैट्समैन या बॉलर्स का, तो वो देखते हैं। के एल राहुल अगर आप देखते हैं तो 30 विकेट, क्विंटन डिकॉक 3 विकेट, मार्कस स्टॉइनिस ने 6 रन मारे थे, मार्कस स्टॉइनिस 24 रन, दीपक हुडा 13 रन, आयुष बदोनी 13 रन, कुणाल पंड्या 42 रन प्लस 1 विकेट, जेसन होल्डर 16 रन प्लस 2 विकेट, ऑलराउंडर देख रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। दुष्मंता समीर अगर आप देखते हैं तो 2 विकेट, एंड उसके बाद किसी को भी विकेट नहीं मिली थी, ठीक है, इस ग्राउंड पर किसी को, मतलब ग्राउंड पर बता दूँ नहीं, वर्सेस में किसी को भी विकेट नहीं मिली, ना ही तो आवेश खान को, ना ही मोहसिन खान को, और ना ही रवि बिश्नोई को, ये ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है, मतलब वर्सेस में। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, अगर होता भी तो अपडेट टेलीग्राम पर मैं रहता ही हूँ, ओके गाइस। और फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं परफॉर्म की, तो 5 प्लेयर्स अगर आप देख रहे हैं तो 96 96 रन है लखनऊ के वर्सेस में इसी सीजन में, तो आप देख सकते हैं विराट कोहली फ्लॉप थे, गेंद में 123 रन प्लस विकेट है, शहबाज अहमद 26 रन है, एंड उसके बाद देखते हैं दिनेश कार्तिक 13 रन है, बाकी वहीं दोस रंगा अगर आप देखें कुछ कोई विकेट नहीं मिली थी वहीं देश रंगा को। एंड हर्षल पटेल की अगर हम बात करते हैं
तो फिलहाल हर्षल पटेल 2 विकेट इसी ग्राउंड पे, बट आपने रिसेंटली जैसे देखा कि सिर्फ और सिर्फ हर्षल पटेल को एक ही ओवर मिला था, ठीक है, तो ये नहीं मजा आता यार, एक ओवर भी दिया गया था हर्षल पटेल को, तो फिलहाल कैसे विकेट मिलेंगी। जो सर्जीवेट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था यहाँ पे, जो कि 4 विकेट निकाली थी आप देख सकते हैं लखनऊ के खिलाफ, तो मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट ली, पर मोहम्मद सिराज प्लेइंग में शामिल नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रेडिक्शन की, ठीक है। जैसे कि आपने कल देखा ओपन, मैंने बताया कि भाई एक दो में तो एक फ्लॉप रहेगा, फ्लॉप का मतलब कि जल्दी आउट हो जाएगा, ठीक है, एक दो ओवर के अंदर ही रन नहीं मारेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने देखा कि किस प्रकार से यशस्वी जायसवाल था वो आउट हुआ, और बाकी देखा आपने कि किस प्रकार के बॉलर्स ने लिया, ठीक है, जिसने लिया वो भाई टीम में नहीं मौजूद था, किसी के भी टीम में बहुत कम टीम है, बट मैंने ऑडियो में मैसेज में शेयर कर दिया था कि जो मतलब ये बॉलर्स है अजटैल, तो मेरा फेवरेट ही था भाई, ठीक है, मतलब हर मैच में लेकर के जा रहा है। कल क्रेडिट का थोड़ा मसला हुआ, आज के भी मैच बहुत होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। केएल राहुल बात करते हैं, केएल राहुल अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तो अच्छा करेगा, सेकेंड इनिंग में आपको बता रहा हूँ चेस नहीं कर पाएगा, मतलब फ्लॉप हो जाएगा, रन नहीं मारेगा, बस 15-20 रन चेस में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अच्छा कर जाएगा क्विंटन डिकॉक के वही हाल है, फर्स्ट इनिंग बढ़िया करेगा, सेकेंड इनिंग ये भी डाउन रहेगा। मार्कस स्टोइनिस अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी पारी खेल, दीपक हुडा सेकेंड में बढ़िया कर जाएगा, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है, दीपक हुडा फर्स्ट इनिंग में अच्छा करेगा, सेकेंड में डिफरेंट रहेगा। मार्कस स्टोइनिस ओवर मिलते हैं तो विकेट मिल जाएंगी, ईडन गार्डन में आपने देखा था, फिलहाल यहाँ पर मिलेगी विकेट मार्कस स्टोइनिस को मेरे उम्मीद पर, और रन भी मारेगा मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि ऊपर के जो टॉप के यहाँ पे केएल राहुल क्विंटन डिकॉक, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे फिलहाल पारी चलेगी, फर्स्ट इनिंग हो सकती है, सेकेंड इनिंग में आपको बता रहा नहीं चलेगी, यह ध्यान रख लीजिए। सेकेंड इनिंग में फिलहाल मतलब कम ही रिस्क लें दोनों के ऊपर, ऊपर वालों के जो ओपन रहेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आयुष भदौनी बैटिंग तो बहुत मुश्किल से आएगी, जहाँ तक कुणाल पंड्या इंपॉर्टेंट रहेगा ऑलराउंडर सेक्शन से, मतलब देख ही रहे किस प्रकार से परफॉर्म है, एंड अगर प्लेइंग 11 में शामिल होता है तो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा टीम में रखें। जेसन होल्डर भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप देख लीजिए, दुश्मनता से मेरा भाई रख सकते हैं अपने टीम में। आवेश खान को तो फिलहाल रखना सही रहेगा, बट आपने कल देखा कि जो चहल राशिद खान किसी को भी विकेट नहीं मिली यार, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे डिफरेंट लग रहा है। फास्टर मोहसिन खान भाई टीम में रखेंगे हम, मोहसिन खान को ये ध्यान रख लीजिए आप, मोहसिन खान को जरूर रखेंगे, क्योंकि फास्टर को थोड़ा यहाँ पे बहुत हेल्प मिल रही है, जिससे कि बताया था कि हार्दिक पंड्या भी विकेट लेकर के जाएगा, बट बड़े बड़े आपके जो इन्फ्लुएंसर थे टेलीग्रामर थे वो कह रहे थे कि हार्दिक पंड्या को हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है, तो बट यहाँ पे मैंने बताया था कि फास्टर को मिलेगी भाई, वही हुआ, ठीक है। और रवि बिश्नोई देख रहे हैं तो रवि बिश्नोई का तो फिलहाल वो फॉर्म बढ़िया है, देखिए किस प्रकार से विकेट निकाली जा रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस ग्राउंड पे बॉलर्स को इम्पोर्टेंट देना भी मतलब सही नहीं है, ठीक है, बॉलर्स को इम्पोर्टेंट देना भी सही नहीं है। अगर यहाँ पे पहले बैटिंग कर जाती है लखनऊ तो भाई यहाँ पे अच्छे खासे रन मार सकते हैं केएल राहुल क्विंटन डिकॉक, सेकेंड इनिंग में नहीं चलेगी, और फर्स्ट इनिंग यहाँ पे बेंगलोर अच्छा कर जाएगी, ठीक है, डुप्लेसिस देख ही रहेगा वर्सेस में किस प्रकार से अच्छा परफॉर्म है, पहले बैटिंग करेगी रॉयल चैलेंज बेंगलोर तो ये भी अच्छा करेगी। विराट कोहली फर्स्ट इनिंग में अच्छा करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड इनिंग में ये भी फ्लॉप रहा, ग्लेन मैक्सवेल तो ओवर कराएगा तो विकेट भी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी टीम में तो हमारे टॉप के बैट्समैन रहेंगे आज, आप यहाँ पे फिलहाल चूँकि मैं बता दूँ कि आप रजत पाटीदार को भी टीम में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, रजत पाटीदार को भी ट्राई कर लीजिएगा, बाकी देखते हैं किस प्रकार से हमारी टीम होगी। और यहाँ पे आप देखते हैं वहिंदू सरंगा कोई विकेट नहीं मिली थी, हर्षल पटेल को 2 मिली थी, और रिसेंटली कोई ओवर नहीं मिला, एक ही ओवर मिला करके भाई मिलकर कुछ काम नहीं हुआ। जोश एथलीट 4 विकेट लेकर के जा रहा है, तो ज़्यादा टीम में आप जाते हैं तो फिलहाल आप वाइस कैप्टन जोश एथलीट को ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज नहीं प्लेइंग में शामिल हो रहा, अगर होता है तो रखने लायक प्लेयर रहेगा, ठीक है। बाकी रियल पे खेलते हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं, वहाँ पे 3 रुपये की टीम हम बना सकते हैं, 10 टीम अगर आप बनाते हैं 30 रुपये की, और 30 रुपये में आप समझ लीजिए कि एक टीम तो आपकी बढ़िया हो जाएगी जिसमें आप लाखों विन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कहते होंगे कि यार भाई मैं विन नहीं कर पाता, तो आप भाई अदर फंटेसी एप्लीकेशन पर खेलते हैं, मैं रियल पे 99% पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, टीम आपको सभी की मिलती है टेलीग्राम पर, बट 99% मेरा इन्वेस्टमेंट जो होता है रियल पे होता है, क्योंकि वहाँ पे भाई बढ़िया विन कर लेते हैं हम, लो प्राइसेस में, लो कॉम्पिटिशन में अच्छा विन कर लेते हैं। बाकी टीम क्या होगी मैं आपको शो कराता हूँ, क्रेडिट का क्या मसला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रकार से टीम रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्विंटन डिकॉक केएल राहुल के साथ जाने वाले हैं। फैब डुप्लेसिस का आपको बता दूं क्रेज़ बहुत कम होगा, 8-10% लोग सिलेक्ट करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, बट आज आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, डुप्लेसिस को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्विंटन डिकॉक केएल राहुल, केएल राहुल क्विंटन डिकॉक आज के मैच में मुझे पूरे डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है, अच्छे मतलब परफॉर्म में नहीं नज़र आ रहे हैं आज के मैच के बारे में बता दो, तो उस हिसाब से आप डुप्लेसिस के ऊपर आज मौका ज़रूर लीजिएगा, बहुत कम लोग होंगे, अगर आप लेते हैं तो बहुत लोग कम लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा, अच्छा विन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ टीम क्या होगी,
तो गाइस आप जैसे कि यहाँ पे टीम देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने बनाई, भले ही केएल राहुल को बनाए, बट मैं आपको बताऊँ फर्स्ट इनिंग यहाँ पे अगर बेंगलोर बैटिंग कर रही है, सेकेंड इनिंग केएल राहुल, तो ये टीम जो कि हमारी फिलहाल हो सकती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फर्स्ट इनिंग जो कि ये बैटिंग कर रही है लखनऊ पहले बैटिंग करेगी, तो फिलहाल यहाँ पे केएल राहुल हमारा कैप्टन रहेगा, वाइस कैप्टन डुप्लेसिस रहेगा। यहाँ बता रहा कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर पहले यहाँ पे बैटिंग बेंगलोर कर लेती है, लखनऊ बाद में करती है, तो हम केएल राहुल को भी ड्रॉप कर सकते, कैप्टन का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। कैप्टन का रिस्क फिर हम यहाँ पे जो सैदली के ऊपर ले सकते हैं, मोहसिन खान के ऊपर ले सकते हैं, ये दोनों आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इनके ऊपर दोनों के ऊपर हम ले सकते हैं। डुप्लेसिस हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर रहेगा इसके मैच में। दीपक हुडा भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आपने रिसेंटली देखा किस प्रकार से बैटिंग हुई है, कोई ना, चलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णभ गौतम को हमने ऐसे ही रखा, आप सोच रहे हो कि हमने जैसन रोलर को क्यों नहीं रखा, फिलहाल यहाँ पे और भी जो बैलर्स को क्यों नहीं रखा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अभी हम कृष्णभ गौतम को नहीं रख रहे, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट का मसला आप देखिए, क्रेडिट का मसला आप देखिए किस प्रकार से है, मतलब जैसन रोलर को भी हमने नहीं रख पाया, रखना चाह रहा था रख नहीं पाया, बॉलिंग सेक्शन से हर्षद पटेल को चाह रहे नहीं, आवेश खान को भी हम नहीं रख पा रहे, ये मतलब यही होता है हमारे हारने का सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारा यही होता है, क्योंकि हम हारते हैं, पैसे हारते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मतलब कर ही नहीं पा रहे, ले ही नहीं पा रहे, मतलब मजबूरी अब है तो क्या करेंगे, ये करें और ये, और यहीं से फिलहाल हम मतलब अपनी टीम सही बना नहीं पाते, और वही डिफरेंट हो जाता है हमारा पैसा जो कि लॉस हो जाता है। इसलिए अब रियल में खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर क्रेडिट का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा विन कर लेंगे, ठीक है। तो होप वीडियोज़ पसंद आई, लाइक करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।